नमस्कार दोस्तों, V2 बिहार न्यूज में एक बार फिर से स्वागत है। और हम अभी पहुंचे हैं बेगूसराय, और आने का बस एक ही कारण है कि जो रात का जो है घटना हुआ है बंदुआर से, जब मेला देखकर एक तीन जो व्यक्ति है एक ही मोटरसाइकिल से वो घर जा रहे थे, तभी उनके ऊपर अंधाधुंध गोलीबारी किया गया। और यहाँ पर जो हैं मौजूद हैं वही लोग हैं जिनके ऊपर गोली चलाया गया है। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये घटना जो है अझौर का जो है पंचायत का घटना है। और यहाँ पर देख सकते हैं जो व्यक्ति है, क्या नाम आपका, इधर आइए, क्या नाम आपका? सुजीत कुमार। सुजीत कुमार जी, आप ये बताएं कि ये घटना किस वक्त घटा और कैसे घटा, आप उस समय कहाँ थे? हम लोग गाय का फार्म खोले हैं, और हम लोग गाय का फार्म से मेला देखने के लिए वहाँ जा रहे थे। मेला वहाँ से जब गाड़ी स्टार्ट करके हम बाइक चला रहे थे, प्रीतेश कुमार बीच में बैठा हुआ था और पीछे मंजर जी बैठे हुए थे। और कीचड़ नहीं होता है, पानी जम जाता है, वहाँ गाड़ी अंधेरा था पूरा, वहाँ गाड़ी आराम से लगाए, बस फायरिंग करना शुरू कर दिया। एक इधर फायरिंग किया तो गाड़ी गिर गया, गाड़ी गिरा तो हम लोग भागने लगे, बस वो प्रीतेश उसका पैर फंस गया था गाड़ी में, उस पर चला दिया गाड़ी। जब गोली चला रहा था जो अपराधी, तो उस समय ये तीन व्यक्ति थे आप ना, तो उसका जो ड्राइव कर रहा था वो उसका क्या नाम था? ड्राइव मैं ही कर रहा था। आप ड्राइव कर रहे थे, और जिनको गोली लगी है कंधे के ऊपर उनका क्या नाम था? वो प्रीतेश कुमार। प्रीतेश कुमार, तो प्रीतेश कुमार काफ़ी जख्मी हैं इस समय और ICU में एडमिट है इस समय। और यहाँ पर देख रहे हैं, क्या नाम आपका? सुजीत कुमार। सुजीत कुमार के जो है आंखों के सामने से जब गोली गुजरी तो उनके जो है गोली का जो बारूद होता है उसको संपर्क में आने कारण इनका एक जो दाएं साइड का जो है चेहरा है बिल्कुल वो है बारूद की चपेट में आ गया, जिसके कारण से इनके जो है दाया आँख में भी लाली जो आपको सामने दिख रहा होगा। तो कहीं ना कहीं जो आपराधिक जो मामला है पूरे बेगूसराय में कहीं ना कहीं जो बढ़ गया है, उसको कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के लिए बहुत बड़ी यहाँ पर जिम्मेदारी है, क्योंकि इस तरह की आपराधिक घटना जो होता है लोगों को कहीं कहीं डर पैदा करता है, जो आम जीवन जो जीते हैं अपने जो मेहनत और मजदूरी करते हैं। तो ये घटना जब हुआ तो क्या रंजिश हो सकता है, क्या कारण था जो ये घटना घटा? ये कारण था वो दुर्गा पूजा होता है ना, वो उसके लिए थोड़ा बकझक हुआ और बोला शाम को मार देंगे गोली, सही में मार दिया। दुर्गा पूजा का तो अभी समय नहीं है, मीटिंग होता है ना अभी से ही, सही मूर्ति उर्ति बनता है, तो इसीलिए हम लोग दोनों में हम लोग कर रहे थे, वो लोग गांव में अलाउंस करवाया, तो हम लोग पहले गांव में अलाउंस करवाए और फिर से वो लोग बोल दिया ये कमेटी का कोई नहीं है। तो हम उसको पूछे कि लाइसेंस मेरे पास है, सब कुछ मेरे पास है, तो आप कैसे बंद कराए? बस मंजा जी के साथ थोड़ा बकझक हुआ, बस हम लोग आए शाम को मेला देखने गए, वही टाइम वो गोली चला दी हम पर। तो आप समझ सकते हैं कि जो दुर्गा पूजा का जो है मूर्ति जो स्थापित करना है उसकी तैयारी करने के लिए ये लोग जो है अपना जो है वहाँ पर सारी व्यवस्था कर रहे थे, तभी आपका क्या नाम है सर? मंजय कुमार। मंजय जी, आप भी उसी गांव के हैं और अपने जो घटना घटा है आपके ही दोस्त हैं लोग हैं? जी हाँ। तो ये आपसे जानना चाहेंगे कि जो घटना घटा है और जो अपराधी जो गोली चला है, आप तो उसको जानते होंगे? जी बिल्कुल। वो कौन सा व्यक्ति है? मेरे गांव के सरपंच। श्री आपके सरपंच जी राजकुमार सहनी। एक बहुत बड़ी यहाँ पर चुनौती है पुलिस प्रशासन के लिए, सरपंच अगर वर्तमान के सरपंच है ना जी, हाँ। वर्तमान के जो है सरपंच हैं जो है अझौर पंचायत का, वो सरपंच अगर इस तरह की जो घटना करते हैं, अगर सरपंच इस तरह की अगर घटना करने लगे तो आप समझ सकते हैं कि पंचायत वासियों का कोई अब यहाँ सुध लेने वाला नहीं है। समझ में आ गया होगा, इस ढंग से तीन फायरिंग हुआ वहाँ पे, लगभग तीन चार आदमी थे और आदमी थे, हम उतना देख नहीं पाए कि वहाँ पे गोली चला, हटा के गोली चला। ये लड़का बाइक लेके इन किया, वहाँ पे झाड़ी था और झाड़ी में छिपा हुआ चार पांच व्यक्ति थे, जिसमें मनोज दास, राजो सहनी हमारे गांव के सरपंच हैं, रितु राज और चंदन राम हैं। पुलिस के द्वारा कोई यहाँ पर कार्रवाई किया हाँ, गया? हाँ हाँ, बयान दिया है, जो लड़का को गोली लगा वो लड़का बयान दिया है जी। हाँ, पुलिस क्या एक्टिव क्या नज़र आ रहा है इस समय? पुलिस तो अभी जिस तरह से हमको खबर आया है अरेस्ट किया है, अभी जो है सरपंच जो है वह अरेस्टेड है जी। तो एक जो है पुलिस ने जो है कामयाबी यहाँ पर प्राप्त हुआ है, पुलिस को अपने जो है अपराधी जो है अब हाथ चढ़ चुका है। सर आपका? मेरा नाम विकास कुमार भारती है, हम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के जिला मंत्री बेगूसराय हैं। ये जो घटना घटी है वो हमारे करकाटा प्रखंड सदर प्रखंड के सह संयोजक प्रीतेश जी है, इन पर रात्रि जानलेवा हमला
अपराधियों के द्वारा हुआ, और यहाँ आने के बाद जब उनके साथ जो साथी मोटरसाइकिल पर थे पूरी घटना की जानकारी हमने ली, तो पता चला कि गांव का जो सरपंच प्रेजेंट सरपंच जो है जिसके जिम्मे सरकार न्याय व्यवस्था देती है वही अपराधी इन हमारे कार्यकर्ता के ऊपर गोली चलाया। और यह रंजिश पूजा पाठ कमेटी जो दुर्गा पूजा मंदिर की कमेटी है उस कमेटी में सदस्यों का या उस पूजा समिति पर कब्जा करने के नियत से उतार चढ़ाव दोनों में हुआ, दोनों में भगझक हुआ, और उन लोगों ने चेतावनी भी दिया था, धमकाया था, और उसका परिणाम रात्रि में ये लोग कहीं मेला घूमने जा रहे थे, इस दरमियान वो पूरे अपने साथियों के साथ हमारे कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला किया है। हम खासकर बेगूसराय प्रशासन जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि ये लगातार हमारे विश्व हिंदू परिषद परिवार के दो साथियों पर हमला हुआ है। परसों भी हमारे गंगाराम स्वीट भंडार के जो प्रोप्राइटर हैं पंकज जी, वो हमारे गोरक्षा प्रमुख हैं जिला के, उनके दुकान पर भी लूटपाट होते हुए उनके मैनेजर को गोली मारी गई है। कल हमारे सदर प्रखंड के सह संयोजक को गोली मारी गई है। हम जिला प्रशासन से अविलंब मांग करते हैं कि हमारे परिवार को सुरक्षा दी जाए, और क्या नीति क्या रंजिश है जो हमारे ही परिवार पर लगातार हमला हो रहा है। विश्व हिंदू परिषद अगर न्याय नहीं मिलती है तो फिर जिला प्रशासन से हम न्याय की गुहार करते हैं। अगर हमारी सुरक्षा हमारे परिवार की सुरक्षा नहीं होती है और हमें न्याय नहीं मिलती है तो फिर हम लोग सड़क पर उतरने के लिए बाध्य हो जाएंगे। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए हमारे V2 बिहार न्यूज़ चैनल पर बने रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।